केंद्रगंज थाना इलाके से दिनदहाड़े लूट का बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर दो बदमाश ने कट्टे की नोक पर एक ट्रेडिंग कंपनी के दो कर्मचारियों से 1,20,00,000 रुपए की लूट की। जानकारी के अनुसार कंपनी का कर्मचारी बैंक में पैसा जमा करने आया था, इसी दौरान घात लगाकर बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी और अपराधी की तलाश के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाल रही है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। आज हरेंद्र ट्रेडिंग कंपनी है, डीडी नगर महाराजपुरा थाने में पड़ती है, वहाँ से कुछ कैश लेके इस कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज जो इंद्रगंज में बैंक ऑफ बड़ौदा है इसमें अपना पैसा जमा कराने आ रहे थे। जैसा प्रथम दृष्टया जो जिनके साथ घटना घटित हुई है कर्मचारियों के साथ, उनसे बातचीत में पता चला है कि उनके साथ में जो जिस स्पॉट पर आप खड़े हो, यहाँ पे किसी दो अनजान आदमियों ने उनकी गाड़ी रोकी, फोर व्हीलर, उनको कट्टा दिखा के और उसकी डिक्की में जो कुछ कैश रखा था वो लगभग अमाउंट बता रहे हैं 1,20,00,000 रुपए का, बाकी विवेचना में मालूम चलेगा। तो इसमें जितना भी कैश था, इनका कहना है अभी फरियादी पक्ष का कि उन्होंने कट्टा दिखा के डिक्की से जिस कार्टन में पैसा रखा हुआ था उस पैसे को लेके दो जने बाइक से लूट करके निकल गए।